द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 11। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कीशाओ के मास्टर लॉर्ड शू पर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर टाउटी की आत्मा थी, और फिर टाउटी और जीशुआन की आत्मा दोनों ही आपस में लड़ने लग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि कीशाओ और उसके मास्टर दोनों ही वहां आ जाते हैं और लॉर्ड शू को अपने वश में करने का सोचते हैं ताकि वो और लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। पर ऐसा करने से यावया बाई उन्हें रोक देती है और उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाती है और उसे जीवन जीने का तरीका सिखाती है। वहीं कीशाओ के मास्टर, जिसके अंदर टाउटी की आत्मा थी, वो लॉर्ड शू के शिष्य को मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। और अब आगे, अब जब लॉर्ड शू का शिष्य उसे बताने वाला था कि तभी अचानक वो अपनी बातों से पलट जाता है और ये सब खुद टाउटी कर रहा था, जो कि खुद कीशाओ के मास्टर के शरीर के अंदर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यावया बाई मिस लैंग को लॉर्ड शू से मिलवाने लाई थी। मिस लैंग कहती हैं कि मैं यहाँ आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि मैं खुद अभी प्लेग से ग्रसित हूँ, अगर मैं वापस गया तो सभी को इससे परेशानी हो सकती है। यावया बाई कहती है कि मेरे पास स्नो चेरी ब्लॉसम है, मैं इसे आपके लिए लाई हूँ, ये आपकी शक्ति को बढ़ा सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यावया बाई, कीशाओ और उसके मास्टर सभी मिलकर पुरानी बुक्स में प्लेग का इलाज ढूंढ रहे थे। इसी बीच उन्हें एक बुक मिलती है, वो बुक मिस्टर लैंड हुई चुन की औषधि पौधों की बुक है। अब टाउटी यावया बाई को धोखे से पंगलाई हेवनली माउंटेन भेज देती है। अब यावया बाई खुद सिस्टर क्रेन के पास जाती है। क्रेन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप बुजिलन के फल से बने अमृत का उपयोग करें, और अगर ये बात जीशुआन को पता होती तो वो भी इसके लिए कभी राजी नहीं होता। अगले सीन में हमें लॉर्ड शू, यावया बाई और कीशाओ के मास्टर को दिखाया जाता है। कीशाओ के मास्टर कहते हैं कि ये गठन केवल 2 घंटे तक चलेगा, यावया बाई आपको जल्दी वापस आना होगा। इस पर यावया बाई कहती है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कीशाओ का मास्टर वहां से चला जाता है और अब यावया बाई लॉर्ड शू को वुजिलन के फल से बना अमृत देती है। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि ये तो वुजिलन के फल से बना अमृत है जिसके बारे में मेरे मास्टर ने अपने बुक में जिक्र किया था, ये बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकता है। अब वो वुजिलन के फल से बना अमृत खा लेता है और उसके साथ ही साथ यावया बाई भी उस अमृत को खा लेती है और फिर उसके दिमाग में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द अपोथेकरी हाउस के सभी तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया है। यावया बाई, जो कि यहाँ आ चुकी है, अब उसे यहाँ जीशुआन मिलता है। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हें नहीं पता यहाँ कितना खतरा है। यावया बाई कहती है कि मुझे प्लेग मॉन्स्टर से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो लॉर्ड शू मर जाएगा। इसी बीच वहाँ टाउटी आ जाता है। अब यावया बाई टाउटी से लड़ना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग और कीशाओ दोनों ही मिलकर यावया बाई और लॉर्ड शू को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाउटी यावया बाई को बताता है कि मैं टाउटी के आत्मा का सिर्फ एक हिस्सा हूँ, अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और अब वो गठन टूट जाता है। अब टाउटी की आत्मा कहती है कि मैंने तुम्हें अंदर और बाहर हर जगह से घेर लिया है और अब तुम बुरी तरह हार गई हो। अब यावया बाई बाहर तो आ जाती है पर उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसे काफी चोटें भी आई हैं। और अब लॉर्ड शू यावया बाई के लिए अमृत कक्ष में जाता है। तभी वहाँ एक लड़की प्रकट होती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने यावया बाई की पहले भी जान बचाई है, और इसका नाम हॉन्गशिन है। अब वो यावया बाई को जगाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप घायल हो और ये टाउटी की गलती है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमें बचा ले। टाउटी ने गुप्त मंत्रों का अभ्यास किया है और बहुत से निर्दोष लोगों को भी मार डाला है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन उसके हाथों से मारे जाएंगे। यावया बाई कहती है कि ठीक है, मैं खुद बर्फ दर्पण लेने माउंट ज्योक्सी जाऊंगी, मुझे टाउटी की आत्मा को मजबूर करना होगा ताकि वो कीशाओ के मास्टर के शरीर से बाहर निकल जाए। अब यावया बाई ग्रीन एम्परर के पास आती है और अब उनके सामने झुककर कहती है, प्लीज आप मेरी मदद करें, टाउटी को ऐसा ना करने दें। इस पर ग्रीन एम्परर कहते हैं कि वो भी लिंगचू की ही गलती थी। यावया बाई कहती है, अब केवल बर्फ दर्पण ही टाउटी को उसके शरीर से बाहर निकालने पर मजबूर कर सकता है, क्या आप उसे वैसे ही मरता छोड़ सकते हैं? ग्रीन एम्परर कहते हैं कि बर्फ का दर्पण राक्षसों को दूर भगा सकता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो। यावया बाई कहती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ग्रीन एम्परर वो दर्पण निकाल कर यावया बाई को दे देते हैं और कहते हैं कि टाउटी के चले जाने के बाद मिरर को तुरंत लौटा देना,
और अब माउंटेन किंग लॉर्ड शू को बताती है कि उस दिन ब्लैक मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के बाद कीशाओ के मास्टर भी गायब हो गए हैं। कुछ दिनों से कीशाओ अपने मास्टर की तलाश में पागल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम याव बाई को देखते हैं, जो कि बर्फ दर्पण की मदद से कीशाओ के मास्टर को खोज रही थी, क्योंकि टाउटी ने अपने आप को सबसे छुपाने के लिए कीशाओ के मास्टर के शरीर का सहारा लिया है। अब बर्फ दर्पण की मदद से उसे टाउटी मिल जाता है। याव बाई कहती है कि आज मैं आपको अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर कर दूंगी। तभी कीशाओ का मास्टर कहता है कि ये मेरे शरीर को 10 वर्षों से इस्तेमाल कर रहा है, जल्दी करो और मुझे मार दो ताकि मेरे साथ ही साथ ये भी खत्म हो जाए। पर याव बाई ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, पर कीशाओ के मास्टर ने याव बाई की तलवार से अपनी जान खुद ही ले ली। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।